आम बजट देश के पूरे साल के खर्च का हिसाब किताब होता है। मोदी 3.0 का बजट 23 जुलाई 2024 को पेश होगा। अब आम जनता के मन में बजट से जुड़े कई सवाल होंगे, जैसे बजट तैयार कैसे होता है, कौन बजट बनाता है, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है और तो और बजट में कौन सी जानकारियां दी जाती हैं। इन सब को लेकर आम जनता के मन में कई सवाल होते हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बजट तैयार कैसे होता है और इसे तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बजट तैयार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी से मिलने जुलने की इजाजत क्यों नहीं होती है। साथ ही देश के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर कम शब्दों में कहें तो आम बजट वैसा ही है जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी भी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, EMI, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च हम करते हैं। अगर हमारी कमाई कम या ज्यादा होती है तो हम उसी के हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। बजट में भी कमोवेश यही चीजें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे ये पता चलता है कि सरकार को साल भर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट से ये जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, वो किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सब से कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वो अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकता है। देश के बजट का आधार होता है नॉमिनल GDP। ये देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत होती है। इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात पता लगती है। बजट पेश करने की प्रक्रिया यानी कि यूनियन बजट प्रोसेस की बात करें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीना पहले से ही हो जाती है। सरकार अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मांगती है ताकि उसे ये पता चल सके कि किस विभाग को कितने फंड की जरूरत है। इसी के तहत सरकार को ये भी अंदाजा होता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी जन कल्याण योजनाओं पर कितनी रकम खर्च करनी है। फिर उसी के हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड का बंदोबस्त किया जाता है। आपको बता दें कि बजट बनाने का सारा काम वित्त मंत्री की देखरेख में ही होता है, लेकिन वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। उनकी बजट के सिलसिले में वित्त मंत्री से हर रोज बातचीत या फिर मीटिंग होती है। अमूमन वित्त मंत्रालय में या फिर वित्त मंत्री के आवास में बजट बनाने वाली टीम को वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग को भी पूरा सहयोग मिलता है। बजट टीम में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो बताते हैं कि सरकार को किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस बढ़ाना चाहिए। वित्त मंत्री बजट पेश करने के पहले तमाम उद्योग प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से भी सलाह मशवरा करते हैं और उसी हिसाब से नीतियां तैयार करते हैं और इसके ही कोशिश की जाती है। बजट पेश करने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी अंतिम रूप दिया जाता है। सरकार बजट में अपने राजस्व और खर्च की पूरी जानकारी देती है, जैसे कि जन कल्याण योजनाओं को कितना फंड दिया जा रहा है, आयात पर कितनी रकम खर्च की जा रही है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, सेना की कैसी फंडिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में कितना पैसा जा रहा है। वही राजस्व की बात करें तो इसमें सरकार टैक्स और गैर टैक्स स्रोत से मिली रकम की जानकारी देती है। सरकार टैक्स लगाने के अलावा सरकारी कंपनियों से कमाई करती है। इसके साथ ही बॉन्ड जारी कर राजस्व जुटाती है। विनिवेश यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट यानी सरकार कंपनियों या संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है। अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट घाटा भी कहा जाता है। इस सूरत में सरकार अपनी आमदनी स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि टैक्स या ड्यूटी बढ़ाना। वहीं कुछ खर्चों में कटौती भी की जाती है जिसे सरकार गैर जरूरी समझती है।
बजट को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई अतिरिक्त नोट छापने का भी फैसला करती है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। बजट को संसद में पेश किए जाने से एक हफ्ते पहले उसकी छपाई शुरू की जाती है। इस दौरान पारंपरिक हलवा समारोह भी होता है। इसमें बड़ी मात्रा में हलवा तैयार किया जाता है। इसे बजट टीम में शामिल अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों को परोसा भी जाता है। ये काम खुद वित्त मंत्री के हाथों से होता है। इसे आप उस प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा भी समझ सकते हैं, जिसमें कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। हलवा सेरेमनी के साथ लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मकसद बजट की गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। आपको बता दें कि हलवा सेरेमनी के बाद वित्त मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी तभी सार्वजनिक जीवन में बाहर आ सकते हैं जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण खत्म कर ले। इस दौरान उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की इजाजत नहीं होती है। पहले यह अवधि लंबी होती थी, लेकिन 2021 से बजट का तरीका डिजिटल हो गया है, तो लॉक इन पीरियड भी कम हो गया है। इससे पहले के 40 साल यानी 1980 से 2020 तक बजट दस्तावेज एक खास प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, जो नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में थी। इसका मकसद भी बजट को गोपनीय रखना था। हालांकि 2021 से बजट पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में पेश किया जाने लगा और लॉक इन अवधि कम हो गई। अब काफी कम दस्तावेज छापे जाते हैं और बाकी काम डिजिटल तरीके से हो जाता है।